रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का अनोखा मामला सामने आया है। योगी सरकार द्वारा गठित की गई एंटी रोमियो स्क्वाड जो महिला सुरक्षा के लिए तैनात की गई, मंचोलों ने उसे भी नहीं बख्शा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के राजकीय मैदान में स्कूली छात्र जो शराब का सेवन करे हुए थे, उन्होंने शिकायत पर पहुंची एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम को भी नहीं बख्शा। उनके साथ भी छेड़छाड़ की, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की। तभी सख्ताई से पेश आई महिला पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में छात्रों को जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भर्ती कराया। तभी छात्रों ने जिला अस्पताल में हंगामा काटा और वहां जमकर तोड़फोड़ की। मेडिकल परीक्षण के बाद सभी छात्रों को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा घूम रहा था तो महावीर चौक के पास कुछ लड़के शराब पी के अभद्र हरकतें कर रहे थे। इस पर एंटी रोमियो स्क्वाड वालों ने उन्हें पकड़ा तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने शराब का सेवन कर रखा हो। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका मेडिकल कराया गया। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ संबंधित जो हमारी महिला स्क्वाड की सब इंस्पेक्टर है वो और थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक दो वहाँ शराब के नशे में शीशा वीशा भी तोड़ा है। अभी उनका मेडिकल हो जाए, उनके ऊपर उचित धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी ऐसे लोगों पर।